संबंधित सूत्र को देखेंगे जिसमें इस एक्स पी वाई गोलीय तल के एक तरफ विरल माध्यम है और दूसरी तरफ सघन माध्यम है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक एन वन है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक एन टू है। इस गोलीय तल से अपवर्तन से संबंधित जो सूत्र है उस सूत्र के निगमन के लिए हमने यहां पर इस तल के ध्रुव P से u दूरी पर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट लिया है जिससे प्रकाश की किरण O M इस गोलीय तल पर आपतित हो रही है। ये O M प्रकाश की किरण इस गोलीय तल पर आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात अविलंब C भी की ओर झुक जा रही है। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। और अपवर्तित किरण हमको मिलती है MC, जो MC है वो अपवर्तित किरण हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो OP है ये गोलीय तल पर अविलंबवत पड़ रही है और अविलंबवत पड़ने के फलस्वरूप ये बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है या अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, सीधे निकल जाती है। तो यहां से ये PR जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित प्रकाश की किरण हो गई और यहां पर MC जो एक प्रकाश की किरण है वो भी अपवर्तित प्रकाश की किरण हो गई। अब MC और PR को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये MC ऊपर की ओर जा रहा है और PR सीधे निकल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसका आशय यह है कि आगे बढ़ाने पर ये कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेंगे या एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों ही अपवर्तित प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, MC को पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस तरह से और PR को भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरह से। तो दोनों जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है MC को पीछे बढ़ाने पर यहां आई और PR को पीछे बढ़ाने पर यहां आई, पर दोनों मिलती है। और जहां पर अपवर्तित प्रकाश की किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ऐसे बिंदु को हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। अब ये आई क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। आई प्रतिबिंब हो गया और वो क्या है, वो पहले से हम जानते हैं कि वस्तु है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है। तो हमारे पास प्रतिबिंब बना और हम मान लिए प्रतिबिंब आई की इस गोले तल से दूरी भी है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी हो गई, वस्तु की दूरी गोलीय तल से u है और इस गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या PC R के बराबर है और इस M बिंदु पर हम अविलंब की रहे हैं MN, जो ये बता रहा है कि M बिंदु की ऊंचाई h है। और आगे हम देखें तो देखेंगे कि ये जो आपतित प्रकाश की किरण है ये इस BC अविलंब से जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण I कहेंगे और अपवर्तित प्रकाश की किरण जो MC है वो BC से जो कोण बनाएगी उसको हम अपवर्तन कोण R कहेंगे। तो हम देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या हमारे पास मिला। आपतन कोण कौन सा होगा, सी ओ एम क्या होगा, कोण सी ओ एम बराबर हम इसको लिखते हैं कोण आई। आपतन कोण को आई से लिखते हैं तो ये आपतित प्रकाश की किरण है और ये अविलंब है, अविलंब के साथ आपतित प्रकाश की किरण जो कोण बनाती है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं और इसको जो हम आई से दिखाए हैं
यही क्या है, आपतन कोण है। आई अपवर्तन कोण, अपवर्तन अपवर्तन कोण को हम देख रहे हैं, ये हमारा सी एम बी, ये अपवर्तित किरण एम सी है, तो सी एम बी जो होगा वो अपवर्तन कोण होगा, क्योंकि अपवर्तित किरण एम सी अभिलंब के साथ यही कोण बना रही है। क्या हो जाएगा, कोण सी एम बी बराबर कोण आर हो गया। अब यहीं से अगर हम देखें तो कोण सी एम आई भी आर के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये जो अपवर्तित किरण एम सी है इसको हम पीछे की ओर बढ़ाए हैं, तो ये एक लाइन हो गई और ये अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण कोण बना रही है वही कोण अपवर्तित किरण को बढ़ाने वाली रेखा और अभिलंब के बीच का बनेगा, तो ये कोण जो होगा सी एम आई ये भी क्या होगा, कोण आर होगा, बराबर क्या लिखेंगे, कोण सी एम आई, ये हो गया। आगे जो आपतित किरण है, आपतित आपतित किरण, एवं मुख्य अक्ष के बीच कोण क्या होगा, कोण अल्फा है, ये कोण आपतित किरण ये है और ये मुख्य अक्ष है, इसके बीच का कोण अल्फा हो गया। दूसरा अपवर्तित अपवर्तित किरण तथा मुख्य अक्ष के बीच जो कोण होगा वह है बीटा। ये देखिए ये अपवर्तित किरण है और इसको जब हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तित किरण इस मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है। तीसरा अभिलंब, अभिलंब तथा मुख्य अक्ष के बीच कोण क्या है, गामा है, ये अभिलंब है और ये मुख्य अक्ष है, ये बीच का कोण क्या हो गया, गम। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज ओ एम सी, ये जो त्रिभुज है ओ एम सी ये वाला, इसमें गामा जो है वो बहिष्कोण है, इस कोण के सामने का एक कोण आई है और दूसरा कोण अल्फा है, इसको अगर इस तरह से बनाए तो इस तरह से हमारा बनेगा, ये हमारा बिंदु M है और ये बिंदु C है और ये बिंदु O है, ये हमारा अल्फा कोण है और ये बहिष्कोण है और ये I है, तो ये बहिष्कोण जो होगा जिसको हम गामा लिख रहे हैं, गामा जो होगा किसके बराबर होगा, इसके और इसके अल्फा और I के योग के बराबर होगा, अल्फा प्लस I, इसको हमने पिछले वीडियो क्लिप में भी बताया था कि ये बहिष्कोण जो होगा अपने सामने के कोण इसके और इसके योग के बराबर हो जाएगा। तो यहां से होगा क्या हुआ, त्रिभुज ओ एम सी, ओ एम सी के लिए क्या हो जाएगा, कोण गामा इक्वल टू कोण अल्फा प्लस कोण आई। यहां से हम अगर आई निकालना चाहे तो निकालेंगे कोण आई इज इक्वल टू
कोण गामा माइनस कोण अल्फा, ये इक्वेशन वन हम लिख देते हैं। अब एक त्रिभुज और देखते हैं, त्रिभुज आई एम सी, त्रिभुज आई एम सी, ये कोण गामा है बहिष् कोण और ये कोण बीटा है, ये कोण आर है। आई एम सी में ये कोण आर है, ये कोण बीटा है और ये कोण बहिष् कोण है। तो बहिष् कोण गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज आई एम सी के लिए क्या हो जाएगा, कोण गामा बहिष्कोण है इक्वल टू कोण बीटा प्लस कोण आर, और यहां से निकल के आएगा कोण आर इक्वल टू कोण गामा माइनस कोण बीटा। ये इक्वेशन दो कर लेते हैं। हम स्नेल का नियम लगाते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही होता है स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वन एम टू, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसी को हम लिखते हैं और क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। एन टू को हम बता चुके हैं कि एन टू अपॉन एन वन लिख सकते हैं। आगे अब यदि ये आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के काफी क्लोजर हो, मुख्य अक्ष के काफी करीब हो, तो ऐसी स्थिति में अल्फा का मान अत्यंत छोटा होगा, और जब अल्फा का मान छोटा होगा तो ये जो अविलंब है इसके साथ आपतित प्रकाश की किरण अत्यंत छोटा कोण बनाएगी, यानी आई भी छोटा होगा। अब जब आई छोटा होगा तो अपवर्तित प्रकाश की किरण अविलंब के साथ छोटा कोण बनाएगी, यानी अपवर्तन कोण आर भी छोटा होगा। तो अल्फा के छोटा होने से आपतन कोण आई छोटा हो रहा है, अपवर्तन कोण आर छोटा हो रहा है, और साथ ही साथ बीटा कोण भी छोटा होगा। जब यह प्रकाश की किरण इस तरह से क्लोजर होगी इस तरह से, तो यहां से अगर बीटा को मिलाएंगे, यहां से अगर आई को मिलाएंगे तो बीटा भी छोटा हो जाएगा, और यहां से अगर हम ये सी को मिलाएंगे तो गामा भी छोटा हो जाएगा। यानी एक अल्फा के छोटा होने से आपतन कोण आई छोटा हो रहा है, अपवर्तन कोण आर छोटा हो रहा है, और ये एंगल बीटा कम हो रहा है और गामा कम हो रहा है। तो क्या लिखेंगे कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के करीब हो या कोण अल्फा का मान अत्यंत छोटा हो, अत्यंत कम हो, तो कौन कौन कोण छोटे होंगे, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, बीटा एवं गामा सभी अत्यंत छोटे होंगे। और जब कोण अत्यंत छोटा होता है तो उसका साइन, उसका टैन भी अत्यंत छोटा होगा, और ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं साइन आई बराबर आई के, इस स्थिति में साइन आई बराबर आई लिख सकते हैं,
साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं और टैन अल्फा बराबर अल्फा लिख सकते हैं, टैन बीटा बराबर बीटा लिख सकते हैं और टैन गामा बराबर गामा लिख सकते हैं। इन सब का उपयोग है यहाँ पर, इसलिए इस रूप में लिखा जाए। तो यहां से हमारा जो स्नेल के नियम में है क्या हो जाएगा, अतः साइन आई अपॉन साइन आर जो हमारा एन टू अपॉन एन वन है वो हो जाएगा आई अपॉन आर इक्वल टू एन टू अपॉन एन। साइन आई की जगह हमने आई लिख दिया, साइन आर की जगह हमने आर लिख दिया, तो हो गया यहां से। अब ये देखेंगे हम तो हो जाएगा एन वन इंटू आई बराबर एन टू इंटू आर, और आई और आर का मान इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा यहां से इक्वेशन वन एवं इक्वेशन टू से क्या मिलेगा हमारे पास, एन वन इंटू आई का मान गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा हम कोण का सिंबल नहीं बना रहे हैं, आप अपना सिंबल समझ लेंगे, इक्वल टू एन टू इंटू गामा माइनस बीटा। और ये हम अगर हल करें क्या हो जाएगा यहां से, इंप्लाइड एन वन गामा माइनस एन वन एल्फा बराबर एन टू गामा माइनस एन टू एल्फा, सर एन टू बीटा, एन टू बीटा यहां से हो जाएगा हमारे पास एन टू गामा माइनस एन वन गामा, इसको हम ले जाते हैं इस तरफ और इसको ले आते हैं इस तरफ, क्या हो जाता है एन टू गामा माइनस एन वन गामा इक्वल टू एन टू बीटा, एन टू बीटा माइनस एन वन बीटा। ये अब यहां से हम अगर गामा को कॉमन ले लें क्या बन के आएगा, गामा कॉमन लेते एन टू माइनस एन वन इंटू गामा बराबर एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा, ये एन टू गामा माइनस एन वन गामा बराबर एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा। अब इसको हम दूसरे रूप में लिखे तो लिखेंगे इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गामा हम कॉमन ले लिए क्या बच के आएगा एन टू माइनस एन वन इक्वल टू एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा। अब हम गामा को टैन गामा लिख सकते हैं, बीटा को टैन बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को टैन अल्फा लिख सकते हैं। जैसा कि हम इधर बता चुके हैं कि यदि अल्फा का मान अत्यंत छोटा होगा तो बीटा का मान भी छोटा हो जाएगा, गामा का मान भी छोटा हो जाएगा, आई का मान और आर का मान सब छोटे हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में चाहे हम अल्फा लिखें चाहे टैन अल्फा लिखें, चाहे बीटा लिखें चाहे टैन बीटा लिखें, चाहे गामा लिखें चाहे टैन गामा लिखें, सब का मतलब एक ही होगा। तो क्या लिखेंगे यहां से, टैन गामा एन टू माइनस एन वन इक्वल टू टैन बीटा एन टू इंटू टैन बीटा इक्वल टू एन टू इंटू टैन बीटा माइनस एन वन इंटू टैन अल्फा। ये यहां से बराबर क्या आएगा, अब हम टैन गामा को देखते हैं क्या होता है। ये हमारा त्रिभुज एम सी एम, ये त्रिभुज एम सी एम में क्या हो जाएगा, टैन गामा इक्वल टू लंब एच बटा सी एम, क्या हो जाएगा टैन गामा को लिखेंगे एच अपॉन सी एन इंटू एन टू माइनस एन वन इक्वल टू एन टू टैन बीटा को देखते हैं। अब इस त्रिभुज में देखते हैं एम आई एन, ये त्रिभुज एम आई एन है
और ये हमारा 90 डिग्री है, तो टैन बीटा जो हो जाएगा एच बटा आई एन के बराबर होगा। तो लिखेंगे एन टू इंटू एच अपॉन आई एन माइनस एन वन अपनी जगह रहेगा और टैन अल्फा को लिखिए इस त्रिभुज में एम ओ एन, एम ओ एन में टैन अल्फा इक्वल टू लंब एच बटा आधार एन ओ क्या हो जाएगा एच अपॉन एन ओ एन ओ। अब यहां पर एच 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 यहां तीनों जगह है तो एच हम यहां से कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेके इधर ट्रांसफर करेंगे तो एच समाप्त हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहां से वन अपॉन या एक लाइन नोट डालते हैं एच अपॉन सी एन एन टू माइनस एन वन इक्वल टू एच कॉमन लेके एन टू अपॉन आई एन माइनस एन वन अपॉन एन ओ ये हो गया। अब एच इधर ले आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा क्या बच जाएगा एन टू माइनस एन वन अपॉन सी एन इक्वल टू एन टू अपॉन आई एन माइनस एन वन अपॉन एन ओ ये। अब आगे हम यदि पहले से मान चुके हैं कि अल्फा का मान अत्यंत छोटा है, जब अल्फा का मान अत्यंत छोटा होगा तो मान लेते हैं ये अल्फा का मान है अत्यंत छोटा, या कह लें कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के काफी क्लोजर है काफी नजदीक है तो ये हमारा यम होगा वो यहां पर होगा और यहां से लंब खींचेंगे तो यन यहां पर पहुंच जाएगा यन पी के करीब पहुंचा और अल्फा को और छोटा करेंगे तो एम और नजदीक आएगा और एन पी के और करीब होगा। तो धीरे धीरे यदि अल्फा को अत्यंत छोटा कर दिया जाए तो एम पी पर पहुंच जाएगा और एन भी एम से खींचा गया लंब भी पी पर पहुंच जाएगा यानी एम और एन दोनों कहां पहुंच जाएंगे पी पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा क्योंकि अल्फा का मान अत्यंत छोटा है अतः एम एवं एन एम एवं एन बिंदु पी पर होगी या पी पर होंगे तो n कहां पहुंच गया पी पर पहुंच गया तो जहां हम n लिखे वहां क्या लिख देंगे p लिख देंगे तो क्या बन के आएगा n2 माइनस n1 अपॉन cp इक्वल टू n2 अपॉन ip माइनस n1 अपॉन po। अब यहां से हमारे पास cp ip और pu तीन फैक्ट है हमारे पास तो cp क्यों हम देख रहे हैं c P को देख रहे हैं कि यह हमारी गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या R और IP जो है इस इमेज की गोलीय तल से दूरी है जिसको हम भी लिख रहे हैं और OP या PO ऑब्जेक्ट की दूरी है वस्तु की दूरी है गोलीय तल से तो हम क्या लिखेंगे और सबको चिन्ह सहित लिखेंगे तो सारी दूरियां हमारी गोलीय तल से बाएं तरफ है यानी सारे क्या हो जाएंगे माइनस में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन माइनस आर इक्वल टू एन टू अपॉन माइनस बी माइनस एन वन अपॉन माइनस यू। अब ये जो है सारे जगह माइनस है तो सारे माइनस कर कैंसिल हो जाएंगे क्या बच जाएंगे एन टू माइनस एन वन बाई आर इक्वल टू एन टू अपान भी माइनस एन वन अपान ये एक इक्वेशन बन के आया कब जब गोली तल के दोनों ओर अलग अलग माध्यम है या गोली अवतल तल के दोनों ओर अलग अलग माध्यम। अगर हम एन वन से इस इक्वेशन में भाग दें एक तो इक्वेशन ये बन के आया दूसरा इक्वेशन बन के आएगा एन वन से भाग दे तो एन टू बाई एन वन माइनस
एन वन अपान एन वन बराबर एन टू अपान एन वन बाई वी माइनस एन वन अपान एन वन बाई यू। और यहां से हम वन करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास बटा आर पूरे के बटा आर। तो क्या हो जाएगा यहां से एन टू अपान एन वन माइनस वन बटा आर इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन बाई भी माइनस वन अपॉन यू। यहां से वन क्या आएगा एन टू अपॉन एन वन को लिखते हैं हम वन एन टू माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू वन एन टू अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू। इसको इस तरह से लिख सकते हैं वन एन टू अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन एन टू माइनस वन अपॉन आर। ये एक ये हो गया। अब यदि पहला माध्यम निर्वात हो पहला माध्यम क्या हो निर्वात हो और जब निर्वात होगा तो वन एन टू जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है सापेक्ष अपवर्तनांक है तो अगर यहां निर्वात हो गया तो वन एन टू निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति लिखेगी कि यदि प्रथम माध्यम निर्वात हो तो वन एन टू जो होगा वन एन टू ये हो जाएगा एन। तो ऐसी स्थिति क्या होगा एन बाई भी माइनस वन बाई यू इक्वल टू एन माइनस वन अपान आ। ये तो जब निर्वात होगा तो ये वाला फार्मूला होगा और जब माध्यम होगा तो ये फार्मूला ये होगा और दूसरा फार्मूला ये होगा। तो ये हमारा हो गया गोली अवतल तल से अपवर्तन संबंधी फार्मूला। पहला क्या एन टू माइनस एन वन बाई आर इक्वल टू एन टू बाई भी माइनस एन वन बाई यू। या इसी को हम एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं एन टू बाई भी माइनस एन वन बाई यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। ये तो एक फार्मूला ये बन के आ गया दूसरा फार्मूला ये बन के आया और तीसरा ये बन के आया। तो ये फार्मूला तब होगा जब गोलीय तल के एक तरफ निर्वात हो और दूसरी तरफ माध्यम हो और ये दोनों फार्मूले एक ये और एक ये दोनों जो फार्मूले होंगे वो गोलीय तल के दोनों तरफ अलग अलग अपवर्तनांक के माध्यम होंगे तब होंगे। तो ये हमारा रहा गोलीय अवतल तल से अपवर्तन संबंधी फार्मूला जिसको हमने डिराइव करा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।